आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो यूजर से कोई नंबर इनपुट ले और ये डिटरमाइन करके दे कि जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अ नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी हर वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ वन से और अपने आप से कम्प्लीटली डिविजिबल हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। मसलन 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये तमाम तर नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ वन से डिविजिबल हैं और इसके अलावा अपने आप से ही डिविजिबल हैं कम्प्लीटली। तो आइए देखते हैं कि प्राइम नंबर्स के लॉजिक को हम प्रोग्राम में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने वाइड मेन लिखा, उसके बाद वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, हमने एक एन वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यूजर जो नंबर इनपुट करेगा वो एन वेरिएबल में स्टोर होगा। आई को हम लूप में काउंटर वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इस प्राइम एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं जिसे कंडीशन के तौर पे हम यूज़ करेंगे। इनिशियल इसकी वैल्यू हमने वन दी है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हर वो नंबर जो यूज़र इनपुट कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट हम उसे अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक प्राइम नंबर है। उसके बाद स्क्रीन को इरेज किया हमने और मैसेज प्रिंट करवा दिया स्क्रीन पे, एंटर एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इस मैसेज के बाद हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा वो एन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेन लॉजिक है वो हमने यहाँ इम्प्लीमेंट की हुई है फॉर लूप में, और हम फॉर लूप को स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, और कब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा टर्मिनेशन कंडीशन दी हुई है आई लेस देन एन, यानी यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उससे एक कम तक ये लूप चलता रहेगा, और हर आइट्रेशन के बाद आई की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। यहाँ देखिए हमने लूप को 2 से स्टार्ट इसलिए किया है कि हर नंबर बाय डिफ़ॉल्ट डिविजिबल होता है 1 से, तो इसलिए हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि जो गिवन नंबर है वो 1 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमारा मेन फोकस इस लूप में ये होगा कि हम कोई ऐसी कंडीशन दें इस लूप में जिसके थ्रू हम ये चेक करें कि जो नंबर यूज़र ने एन में इनपुट किया है क्या वो 1 और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो उसकी लॉजिक हमने यहाँ पे ये बताइए कि हमने देखिए 1 को भी एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पे, और इसके अलावा हम लूप चला रहे हैं लेस देन एन तक, तो एन जो इटसेल्फ है उसको भी एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ मॉडुलस डिवीजन परफॉर्म की हुई है कि एन को डिवाइड करो आई से, तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी 2, और ये लूप चलता रहेगा लेस देन एन तक, और हर आइट्रेशन में ये चेक किया जाएगा कि जो एन है क्या वो डिविजिबल है उस नंबर से। अगर किसी भी एक आइट्रेशन में एन डिविजिबल हो जाएगा आई से तो इसका मतलब यह होगा कि जो गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जो लूप की आइट्रेशन है वो 2 से स्टार्ट हो रही हैं और लेस देन एन तक जा रही हैं, तो इसमें 1 भी एक्सक्लूड हो गया और नंबर इटसेल्फ भी एक्सक्लूड हो गया। तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे इफ की एक दफ़ा भी ट्रू हो जाती है तो उसका मतलब ये होगा कि जो एन की वैल्यू है वो 1 और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल है। तो इस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में इस प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि जो नंबर एन वेरिएबल में स्टोर है वो प्राइम नहीं है, और फिर हम फर्दर लूप आइट्रेशंस को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और जैसे ही ब्रेक कमांड एग्जीक्यूट होगी तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब जैसे हम लूप से बाहर आएंगे तो हमने एक और इफ कंडीशन दी हुई है कि चेक करो इफ इस प्राइम इक्वल्स टू 1, तो अगर इस प्राइम की वैल्यू 1 है तो प्रिंट कर दो परसन डी इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, और एन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी परसेंट डी की जगह पे, यानी जो हम नंबर देंगे वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। सपोज अगर हम देते हैं 5 तो प्रिंट हो जाएगा 5 इज़ अ प्राइम नंबर। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सपोज अगर हम 6 देते हैं, तो देखें अगर हम इस लूप में आते हैं तो ये लूप कब तक चलेगा 2 से लेकर 5 तक, एन की वैल्यू अगर 6 है तो ये लूप चलेगा 2 से 5 तक। फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ पर आएंगे तो 6 को डिवाइड किया जाएगा 2 से, तो आप देखें कंडीशन हो जाएगी ट्रू, क्योंकि 6 कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से, और इस प्राइम की वैल्यू 0 हो जाएगी और हम लूप से बाहर। या जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी परसन डी इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, और इस परसन डी की जगह पे एन की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी प्रिंट होगा 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे प्रोग्राम रन किया तो हमने वैल्यू दे दी 6, तो 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर आ गया। फिर रन किया, हमने वैल्यू दे दी 7, तो 7 इज़ अ प्राइम नंबर। ये प्रोग्राम उन तमाम तर नंबर्स के लिए एक्यूरेट काम कर रहा है जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हैं। अब इस प्रोग्राम में एक माइनर सा इशू है, और वो ये है कि जब हम इसको रन करते हैं और वैल्यू देते हैं 1, तो 1 प्रिंट होता है इज़ अ प्राइम नंबर, जबकि ऐसा नहीं है।
तो इस इशू को हल करने के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन दे देते हैं, एंड एन नॉट इक्वल्स टू वन। तो इस इजाफी कंडीशन देने से हमने वन के इशू को भी रिजोल्व कर दिया। अब जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखें प्रिंट हो गया, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, 17 इज अ प्राइम नंबर, 23 इज अ प्राइम नंबर। तो इस प्रोग्राम की ओवरऑल लॉजिक को मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स क्रिएट किए, एन आई इज प्राइम। इस प्राइम बेसिकली इंडिकेटर है कि जो नंबर यूजर इनपुट कर रहा है वो प्राइम है या नहीं। तो बाय डिफॉल्ट इनिशियली हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी नंबर यूजर दे रहा है वो प्राइम नंबर है। स्क्रीन रेज होने के बाद मैसेज आ गया यूजर के पास, एंटर एनी पॉजिटिव इंटीजर। यूजर ने कोई भी नंबर इनपुट किया तो वो एन वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब मेन लॉजिक यहाँ पर है कि हम लूप चला रहे हैं जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन एन होगी। और हर एक आइट्रेशन में हम चेक करेंगे कि एन को डिवाइड करके देखो आई के साथ, अगर वो डिविजिबल है तो फिर इस प्राइम की वैल्यू फॉल्स कर दो, यानी ये प्राइम नंबर नहीं है, और लूप से बाहर चले जाओ। और जैसे हम लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ चेक करेंगे, अगर इस प्राइम की वैल्यू 1 है और जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया है वो 1 नहीं है, तो प्रिंट कर दो कि जो नंबर था वो क्या था, प्राइम था। एल्स क्या प्रिंट कर दो कि जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है वो प्राइम नंबर नहीं है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करने की लॉजिक समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।